हवस के हैवान हर जगह मौजूद हैं, हर जगह वो अपने शिकार को तलाशते रहते हैं। पलामू में भी हवस के हैवान ने अपनी हैवानियत दिखाई और दो सगी बहनों को गैंगरेप का शिकार बना डाला। दो सगी बहनों की इज्जत को तार तार कर दिया। एक लड़की की हालत गंभीर है और वो बदहवास अस्पताल बेड पर पड़ी है। इज्जत के लुटेरों ने दो सगी आदिवासी बहनों को बनाया शिकार, उनके जिस्म से इज्जत को कर दिया तार तार। शराब के नशे में तीन लोगों ने किया बलात्कार, लड़कियों को बचाने आए लोगों की भी पिटाई की। झारखंड सरकार जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारों पर अमल कर रही है, लेकिन झारखंड में बेटियों की सुरक्षा कहां है? बेटियों के लिए क्या झारखंड महफूज है? क्या झारखंड में बेटियां बच रही हैं? इन दोनों बहनों की हालत देखकर तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक जुमला लगता है, क्योंकि ये दोनों आदिवासी सगी बहनें पढ़ने के लिए पलामू के छत्तरपुर में किराए के मकान में रहती थीं, मगर अफसोस कि वो अपनी इज्जत ना बचा सकी। मामला मंगलवार की रात 11 बजे का है, जब पलामू के छत्तरपुर की कवल पंचायत की रहने वाली दो आदिवासी गरीब लड़कियां सोच के लिए निकली थी। वो छतरपुर अनुमंडल में एक किराए के मकान में रहकर पढ़ाई करती थी। गरीबी में जीवन यापन के लिए सिलाई कढ़ाई का भी काम करती थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस जालिम दुनिया में अकेले रहना ऐसा ही है जैसे किसी बकरी का जंगली भेड़ियों के बीच रहना। वो सोच के लिए बाहर निकली थी कि तभी पास के ही रहने वाले तीन लड़कों ने बंदूक की नोक पर उन्हें अगवा कर लिया। तीनों शराब के नशे में थे और बारी बारी से उन दोनों बहनों की इज्जत को इस कदर नोच डाला जैसे भूखे गिद्ध को गोश्त का टुकड़ा मिल गया। लोग जब रात में सोए थे टॉयलेट करने के लिए उठे, क्योंकि तो तीन लड़का थे आए उधर से शराब पी के, हम लोग टॉयलेट करने के लिए निकले थे तो जबरदस्ती धर के ले गए थे, बंदूक नोक सब साथ लिए थे। लड़के को पहचानते हैं आप? हाँ, डेरा। कितने बजे की घटना है बताइए? 11-12 बजे। और बताइए। बाहर दो भैया हैं ना, हम लोग बचा रहे थे कि हम लोग चिल्लाए, हम लोग पकड़े तो उन लोग निकले थे, देखने क्या हुआ तो उन लोग बोल रहा कि तुम लोग शांत कर दो, उन लोग भी हमसे तीन चार थप्पड़ लगा दिए, हम लोग मार दिए। क्या बोल के दरवाज़ा खुलवाया था? दरवाजा नहीं खुलवाए थे, हम लोग टॉयलेट करने के लिए निकल थे बाहर, इसीलिए उधर शराब पी के आए थे, उन लोग जैसे पकड़ लिए तो हम लोग चिल्लिया गए। जैसे ही आसपास के लोगों को इसकी भनक लगी, लोग उन लड़कियों को बचाने भी पहुंचे, लेकिन जिंदा गोश्त के वो भूखे भेड़िये उन लोगों पर भी टूट पड़े और उन्हें भगा दिया। बाद में गंभीर हालत में दोनों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें से एक लड़की की हालत अभी भी गंभीर है। ले करके हम लोग को महिला थाना आए और महिला थाना से हमको मतलब इंजुरी काट के दिए और जा करके मतलब वहाँ जांच करवाइए बोल करके वहाँ गए हॉस्पिटल में, इसके बाद में वहाँ से रेफर कर दिए। तो फिर हम यहाँ, क्या मामला था मैडम? मामला इसका क्या था ये भी हम नहीं कह पाएंगे सही है ना, लेकिन हाँ इतना मतलब हालत ख़राब था कि मतलब तुरंत में हम ले करके आए यहाँ डाल्टनगंज सदर हॉस्पिटल। इज्जत लुटने की पूरी कहानी लड़कियों ने पुलिस को सुनाई, जिसके बाद पुलिस हरकत में तो आ गई, लेकिन सिर्फ हवाई दावे किए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापामारी की जा रही है और जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक मेरे साथ बलात्कार किया गया है, जिसका जांच छानबीन दर्ज कर जांच किया जा रहा है। इनका ये भी कहना कि हमें बंदूक के नोक पे बलात्कार किया गया है, कितना सही है? तो जांच का मामला है। प्रथम जांच की दृष्टि से क्या लगता है? हाँ, ऐसा तो लगता है कि लोगों के साथ ऐसे किया गया है। अपने परिवार के साथ रहती थी या पढ़ाई? पढ़ाई लिखाई करती थी, वहाँ रहकर पढ़ाई सिलाई करती थी। लेकिन कानून से सवाल है कि जिस्म के ऐसे भूखे भेड़िए खुले घूम ही क्यों रहे हैं? क्यों उनके दिल में कानून का खौफ नहीं है? आखिर कब तक पुलिस जिस्म के लुटेरों को गिरफ्तार कर पाएगी, देखना होगा। गुनाह के लिए पलामू से राजीव रंजन की रिपोर्ट।
आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।